अभी एक ही अवेलेबल है, दो दिन बाद दो आ जाएगी, कभी ले जाना। ये दवाई मुझे दे दीजिए, ये लो पैसे। क्यों? हाथ मैंने रखा था और मुझे चाहिए। मुझे देखिए, मुझे अर्जेंट जरूरत है इसकी। तो मुझे भी जरूरत है। अब हाथ इसीलिए तो मैं आई थी ना, हाथ पहले मैंने रखा था। दो दिन बाद ले जाना। हाँ तो फिर मुझे दे दो। हाँ तो फिर मेरा क्या? मुझे किसी को नहीं देनी, अगर आपको चाहिए तो दो दिन बाद ले जाना। अरे रुको, हम लोग ऐसा करें तो टेबलेट आधी आधी बांट ले दो। देखो मेरी माँ बीमार है, इसलिए मुझे अर्जेंट जरूरत है इसकी। भैया एक काम करो, ये दवाई हम दोनों को आधी आधी दे दो, हम दोनों पैसे बांट लेंगे। 200 200। एक काम करो, आप ले लीजिए। एक मिनट रुको, मेरे पास थैंक यू कि आपने मेरी मदद की। आपने बताया कि आपकी माँ के लिए आपको ये दवाई चाहिए, तो उनको भी किडनी का प्रॉब्लम है? अच्छा, मेरा नाम हीर है, आपका? हाय, हेत। अच्छा, आप अगर मुझे आपका नंबर दे देते तो मैं आपको पैसे भेज दूँगी। बात श्योर। तुम यहाँ? हाँ, मैं अपना ब्लड डायलिसिस करा रही थी। तुम? मेरी माँ को यहाँ पे एडमिट किया है, बट तुम अकेली आए हो? मैं पहले से अकेली हूँ, इसीलिए तो सरकारी हॉस्पिटल आती हूँ। सॉरी, मेरी माँ का मेरा भी मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है। तो तुम्हारी माँ को यहाँ कितने टाइम से एडमिट किया है? मेरी माँ की दोनों किडनी में प्रॉब्लम है, बट डॉक्टर कह रहे कि दोनों किडनी ट्रांसप्लांट करवानी पड़ेगी, उनके लिए डोनर भी नहीं मिल रहा है। मुझे भी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, पर तुम्हारे साथ अब नहीं रहूं, वरना तुम उसमें भी जरूर से रहो। देखो ये बहुत टाइम जा रहा है, कोई डोनर भी नहीं मिल रहा। आप जल्दी से अपने रिलेटिव से बात कीजिए और खुद एग्जाम कीजिए, सिर्फ एक ही किडनी चाहिए। कितनी अजीब जिंदगी है, जब मरने का फैसला किया तब किसी ने जीने की उम्मीद दी, लेकिन अब हेत को कैसे बताऊं? पर उसकी जिंदगी में भी जाकर क्या करूंगी, बोझ ही बनूंगी उसके लिए भी। पहले से उसके साथ उसकी बीमार माँ है और अब मैं? नहीं नहीं, मैं हेत को हमेशा खुश देखूंगी, हमेशा। क्या करूं, जिंदगी में जितने मिले सबको किडनी और पैसे का ही प्रॉब्लम, कहाँ से लाऊं मम्मी के लिए किडनी, और अब हीर को भी कैसे बताऊं? पहली बार किसी की मुस्कान देखकर खुशी मिली है और मैं उसकी मुस्कान हमेशा देखना चाहता हूँ। मेरा जो भी है अब वो मेरी माँ और हीर है। मेरी दोनों किडनी में डोनेट कर देता हूँ।
मैं एक मर गया तो दो जान बच जाएगी, बाकी ऐसा जीने से क्या फ़ायदा। मरते मरते दो लोगों की जान तो बचा लूँगा, लेकिन क्या वो मेरी बात मानेंगे? नहीं, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। हाय हीर, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। अब तुम भी ये बात कह दो। नहीं, मेरे लिए तो मेरी माँ ही सब कुछ है। अच्छा, एक दिन तो मुझसे दूर रह के दिखाओ, तब जाने। मुबारक हो, आपकी मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मैम, पर मेरे पे एहसान किया किसने? उसने मुझे बताने को मना किया था। उसने अपने बॉडी के कई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनेट किए। वो हमारी पुरानी पेशेंट हीर थी। हीर? सॉरी हित, तुम्हारा प्लान चुराने के लिए, पर क्या करूं, मेरे जीने की तो कोई वजह ही नहीं थी। इस बीमारी से मैं तंग आ गई थी। इस बीमारी की वजह से मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया। खाने और दवाई के भी पैसे कहां से लाऊं? एक बार को तो मन किया कि सुसाइड कर लेती हूं, पर फिर मेरी जिंदगी में तुम आए और मुझे जीने की एक नई वजह मिली। पर जिस वजह से मैंने जीना चाहा, उस वजह को ही मरना पड़े, ये मुझे मंजूर नहीं। अच्छा, अपनी माँ का ख्याल रखना, और वो बहुत लकी है कि उनके पास तुम्हारे जैसा बेटा है। और थैंक यू फॉर बीइंग माय रीजन टू लिव। गुड बाय।